चाय पीने के बाद मार्केट से चिकन ले। उज्ज्वला मैं आ रहा हूं। एक किलो चिकन दीजिए। ये तो मुर्गी ला रहे। जाने दो ना भाई साहब। अच्छा है तुमको क्या? अरे तुम्हारा काम खत्म हो गया जल्दी आज? हाँ हो गया, पर तुम्हें क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो आज। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था। वो तो दिख ही रहा है। चलो चल के आराम करते हैं। ओके।
अपने काम पे ध्यान दे जा। इसे प्याज काट के आ रहे हो क्या? इंसान भी ना, जानवरों से बदतर है, जानती हूँ। और अंधा, मन की बातों से बिल्कुल परे। क्या हुआ? किससे पाला पड़ा है? अपने हाथ से। बहुत सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जाते ही किसी ने शीशा दिखा दिया। मैं तो हमेशा कहती हूँ, इतनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी। उज्ज्वला, वो खतरे में। कौन? कौन नील? एक बच्चा, 7-8 साल की उम्र है उसकी। चिकन शॉप में काम करते हैं। उसकी आंखें न जाने कुछ मदद से मांग रही हैं। उज्ज्वला, मुझे डर है कि कहीं वो डूब ना जाए। सर, मेरा नाम नीलेश है। मैं यही पास में रहता हूँ। बाजू के ऑफिस में जॉब में हूँ। शाम को 6-7 बजे मैं घर चला जाता हूँ। तो हमारे वहाँ एक चिकन की शॉप है। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, उसकी उम्र 7-8 साल की है। उस बच्चे की उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन उसको वहाँ काम करना पड़ता है। कल मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो रास्ते में वो बच्चा मुझे अचानक से टकरा गया। उसके हाथ में एक पेपर का एक टुकड़ा था। वो उसे घूमता रहा, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ने ही नहीं जमे। ये क्या कर सकता हूँ सर? मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में हो जाए। एडमिशन? माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं, अपने भारत देश का कानून कह रहा है कि सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। ये बहुत कम स्कूल है यहाँ जो इस कानून को फॉलो करते हैं। एडमिशन तो हो जाएगा, तो बच्चे का जिम्मेदारी? सर, उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। वैसे भी इस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन काम से मजबूर है। तो सर, बच्चों की जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? सर, अगर मैंने शुरुआत नहीं की तो किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम मिलकर शुरुआत करें। Come on.
क्या कर रहे हैं? चल चल मेरे साथ, चल चल। तुझे स्कूल जाना है ना? अरे चल, मैं लेके जाऊंगा। हाथों में है ये दुनिया मेरी और आँखों